हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। राफेल डील पर सदन के भीतर और बाहर तकरार थमने का नाम नहीं ले रही है। कई दिनों से लोकसभा में हंगामा हो रहा है। इस मसले पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकार का बचाव किया तो कांग्रेस ने सवाल उठा दिया। सो अब की बार लोकसभा में सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोर्चा संभाला। अब तक रक्षा मंत्री से जवाब मांग रही कांग्रेस पर रक्षा मंत्री ने तीखे वार किए। रक्षा मंत्री ने कांग्रेस पर झूठ बोलने और देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। सीतारमण ने कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले बोलते हुए कहा कि कांग्रेस HAL पर घड़ियाली आंसू बहा रही है। निर्मला सीतारमण ने राफेल पर राहुल गांधी के AA के आरोप पर पलटवार करते हुए उन्हें RV और Q की याद दिला दी। राफेल पर रार, सदन में जमकर तकरार। रक्षा मंत्री ने दिया कांग्रेस के आरोपों का जवाब। AA के जवाब में RV और Q का लिया नाम। देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का लगाया आरोप। HAL के लिए घड़ियाली आंसू बहा रही कांग्रेस। HAL की जगह अगस्ता से डील पर उठाया सवाल। राहुल गांधी ने एक बार फिर दोहराया आरोप। अनिल अंबानी के बहाने PM मोदी पर किए वार। राफेल सौदे पर लंबी चुप्पी साधने के बाद जब रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने बोलना शुरू किया तो बहुतों की बोलती बंद कर दी। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों के सिलसिलेवार जवाब दिए और ताबड़तोड़ हमले बोले। दरअसल रक्षा मंत्री के भाषण के दौरान जब कांग्रेस ने पूछा कि क्या ये सौदा AA के लिए किया गया, तो इस पर सीतारमण ने कांग्रेस को जवाब दिया कि अगर आप AA की बात करते हैं तो हर AA के जवाब में एक RV और Q का नाम आ जाता है। निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ का आरोप लगाते हुए कहा कि असल में वो सौदा ही नहीं करना चाहती, यही वजह है कि उसने राफेल डील को लटकाए रखा। रक्षा मंत्री ने दावा किया कि मोदी सरकार के दौरान रक्षा मंत्रालय दलालों से मुक्त हो गया। रक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस आज HAL के लिए मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, लेकिन मैं पूछती हूँ कि आपने हेलीकॉप्टर की डील अगस्ता से क्यों की? HAL को कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं दिया? क्योंकि जो आपको अगस्ता के साथ डील में मिला वो HAL के साथ डील में नहीं मिलता, वहाँ से तो सिर्फ हेलीकॉप्टर ही मिलते। रक्षा मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश को भ्रमित कर रही है। कीमतों पर सफाई देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि हमने कांग्रेस के मुकाबले 9% सस्ती डील की है। रक्षा मंत्री के जवाब के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 2-3 मिनट का स्पष्टीकरण दिया और एक बार फिर सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि जो पैसा हिंदुस्तान की जनता का है, गोपनीयता का हवाला देकर जनता को ही उसके बारे में नहीं बताया जा रहा। राष्ट्रपति मैक्रों ने बताया था कि कीमत गोपनीयता के दायरे में नहीं आती, और इसी तरह ओलान ने कहा था कि अनिल अंबानी का नाम मुझे भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया था। ओलान का बयान ये बताता है कि भारत के PM ने एक निजी कंपनी को फायदा पहुंचाया। नए कॉन्ट्रैक्ट में अनिल अंबानी को हटाया गया, HAL को हटाया गया, अनिल अंबानी को लाया गया। तो हमारा मेन पहला सवाल था, अनिल अंबानी को लाने का निर्णय किसने किया? होलैंड जी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने किया। हमने आपसे सवाल पूछा, आपने हमें जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मैं रक्षा मंत्री पर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगा रहा हूं, क्योंकि वो सीधे सीधे इसमें शामिल हैं। राहुल ने कहा कि रक्षा मंत्री ने 2.5 घंटे बोला, लेकिन अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट किसने दिलवाया, ये फैसला किसने किया, ये नहीं बताया। रक्षा मंत्री ने कितना, 2.5 घंटा बोला? 2.5 घंटा बोला। अनिल अंबानी जी को ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट मिले? नहीं आती मुझे, नहीं आती।
नहीं आती तो अनिल अंबानी को ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा पार्ट मिला, उनका नाम तक नहीं लिया आपने, एक बार नहीं बोला अनिल अंबानी का, आपने नाम नहीं लिया। दरअसल निर्मला सीतारमण जब बोल रही थी उस दौरान राहुल गांधी अपना जिक्र आने पर उसी वक्त जवाब देना चाहते थे, लेकिन स्पीकर सुमित्रा महाजन ने उन्हें रोका कि जब मंत्री अपनी बात पूरी कर लें तो उन्हें फिर से अपनी बात रखने का समय मिलेगा। बाद में राहुल को मौका मिला भी और उन्होंने इस मौके को अपने पक्ष में भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।